दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। 4,800 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत भारत से नेपाल पहुंची पहली पैसेंजर ट्रेन। भारत से पहली बार पैसेंजर ट्रेन नेपाल पहुंची है, जिसे लेकर वहां के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को ट्रायल के तहत ट्रेन बिहार के बथनाहा से नेपाल के मोरंग पहुंची तो हजारों लोगों ने उसका जबरदस्त स्वागत किया। ट्रेन के दोनों तरफ भारत और नेपाल के झंडे लगे हुए थे। यह रूट 18.1 किलोमीटर का है, जिसका 13.1 किलोमीटर का हिस्सा नेपाल के अंतर्गत आता है। भारत नेपाल रेल परियोजना का अनुमानित खर्च 4,800 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। यह राशि आर्थिक सहयोग के तहत भारत ने नेपाल को उपलब्ध कराई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ब्रॉडगेज पर पहली यात्री ट्रेन इस साल दिसंबर तक शुरू होने की संभावना है। नई दिल्ली में भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। यह ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल में जनकपुर जोन के धनुषा जिले के कुर्था तक का सफर तय करेगी। जयनगर कुर्था रेलखंड की लंबाई 34 किलोमीटर है। सूत्रों ने बताया कि जयनगर में संभवतः एक आव्रजन चेक नाका बनाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आव्रजन ब्यूरो या राज्य सरकार को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस रास्ते से आने जाने के लिए भारतीय और नेपाली नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।